मुंबई से सटे नालासोपारा पश्चिम में बस डिपो के पास साची ज्वेलर्स की दुकान पर कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूट की और लूट का विरोध करने पर दुकान मालिक किशोर मांगीलाल जैन की निर्मम हत्या करके आरोपी फरार हो गए। वहीं इस घटना के बाद स्थानीय ज्वेलर्स एसोसिएशन और व्यापारियों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दिया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने हत्या और लूट का मामला दर्ज करके मामले की जांच में जुट गई है। पेश है हमारे नालासोपारा के संवाददाता मयंक रावत की यह खास रिपोर्ट। सर, ज्वेलर्स एसोसिएशन किस तरह से आक्रामक रहेगी और क्या घटना हुई और पुलिस से आपको क्या जानकारी मिली इसके बारे में? देखिए, दिन दहाड़े एसटी डिपो जो स्टेशन रोड है वहाँ पर ऐसी नृशंस हत्या इतने वार उन पर हुए। आप सिर्फ उनका चेहरा या आप उनका सिर देखिए, इतने वार उन पर हुए, पौना घंटा तक लगातार उन लोगों ने वार किया। सामने उन्होंने, किशोर जी ने भी उनके सामने फाइट की, लेकिन आखिर क्या रिजल्ट आया? हमारा इंसान चला गया, हमारा व्यापारी चला गया, हमारा एक भाई चला गया। आज कल राखी का दिन है, आज उनके घर की क्या हालत हो रही होगी या हम सिर्फ सोच सकते हैं, हम उसे महसूस भी नहीं कर सकते। शायद कल वो बहन किस कलाई पर राखी बांधेगी, कल उनकी पत्नी बच्चे किस हिसाब से, और आगे आने वाले टाइम में उनके सामने तो काला अंधेरा छा गया है। तो ऐसी घटना की हम कड़ी निंदा करते हैं और हम ज्वेलर्स एसोसिएशन की यही मांग है पुलिस प्रशासन से कि आप जल्दी से जल्दी ऐसे आरोपियों को, ऐसे हत्यारों को हमारे समक्ष लाए और हम तो कहते हैं कि हमें सुपुर्द कर दे। इतना आक्रोश है। इस वारदात के वक्त कौन कौन वहाँ पे मौजूद था, ऐसे कुछ बताया गया? समय देखिए, किशोर जी हमेशा शॉप पर तो अकेले ही रहते थे, अकेले के हिसाब से ही काम करते थे। वो अंदर गए और उसके बाद में ऐसा सुनने में आया है, इतना सुना है, उस जानकारी के हिसाब से बता रहा हूँ कि 11:15 बजे के आसपास दो आरोपी अंदर गए और उन्होंने हाथ बांधकर उन पर चाबी देने के लिए प्रेशर डाला। माल तो बाहर नहीं लगा हुआ था पर उन्होंने शायद चाबी नहीं दी होगी या उन्होंने उसका विरोध किया होगा। तो कोई भी करेगा, अपनी मेहनत पसीने की कमाई कोई भी किसी को ऐसे कैसे सौंप दे। उसके बाद उन पर लगातार वार हुए, उनके सर पर वार हुए, उनके चेहरे पर वार हुए और तिजोरी अंदर से खोलकर तो नहीं देखी है, माल गया है नहीं गया है, ये सब पुलिस प्रशासन में जैसे क्राइम के बाद में होता है, उन लोगों ने पूरा रिबिन वगैरह डालकर यहाँ पर हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया है। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि हमारा आदमी चला गया। सर, इसके बारे में आप ज्वेलर्स एसोसिएशन को? नहीं, बिल्कुल, ये ज्वेलर्स एसोसिएशन देखिए, अगर हम लोगों पर ऐसे ही वार होते रहे और हम लोगों का जो खून पसीने की हमारे बीवी बच्चे, अगर हम मतलब एक सैनिक से कम नहीं रह गए हम भी, वो भी वहाँ से घर से ऐसे सोचते हैं कि ये गया है तो ये बॉर्डर पर ही गया है और ये वापस आएगा या नहीं हमें पता नहीं। तो हम पूरा पुलिस प्रशासन से और सभी से यही हमको निवेदन कहें या आप किसी भी रूप में कहें, हम 24 घंटे के अंदर अंदर आरोपी हमारे हाथ में आए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, उसके बाद ही हम चैन के। उनके पश्चात कितना, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या था? देखिए, उनके फैमिली के बारे में ज़्यादा जानकारी तो किसी को होगी तो वो बता पाएंगे। बाकी उनकी वाइफ लगातार सुबह से यहाँ पर, मतलब वो देख रही थी कि मतलब फ़ोन नहीं लग पा रहा है तो मैं उन्हें देखने जाऊँ शॉप पर, क्या हुआ है, क्या बात हुई है, टिफिन वगैरह देने के लिए। जैसे ही वो आई तब से सबको पता चला, यहाँ पर आजू बाजू वालों को भी किसी को पता नहीं चला, भनक नहीं हुई। और आज जैसे कि हमारे अध्यक्ष साहब ने भी बताया कि नारायण राणा साहब आ रहे हैं और उसके बाद में इतनी सिक्योरिटी होने के बाद भी ऐसी घटना दिन दहाड़े घट रही है, ये जो इसके लिए शब्द नहीं है हमारे पास। मामले में क्या कितना सुना गया है, क्या उसकी जानकारी? वो तो सब अभी तक अभी चालू है, उसका पंचनामा वगैरह चालू है, प्रशासन का इंक्वायरी चालू है, वो अभी हम लोग के प्रशासन की वजह से हमारे को नहीं आया सर इन्फॉर्मेशन, जो भी आएगा वो आपको बताएंगे। मगर अभी हमारा यही है कि जब तक हम लोग ये चोर पकड़ा नहीं जाएगा, जो मर्डर करने वाला पकड़ा नहीं जाएगा, तब तक हम लोग पूरा व्यवसाय बंद करेंगे। सर, क्या नाम है उनका जिनका डेथ हुआ है? और किशोर जी वागरेचा सर नाम है उनका, और ज्वेलर्स का साक्षी ज्वेलर्स से नालासोपारा वेस्ट में उनकी हमारे। कितने साल से यहाँ पे सर? करीबन 15 साल से यहाँ धंधा करते हैं सर। 15 साल हो गए। 15 साल से।